शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो गुलशन इकबाल या कराची में रहता होगा और खान क्वेटा के नाम से वाकिफ नहीं होगा। तो आज हम भी सर्दियों की रातें हैं यहाँ पे ट्राई करने आए। किसको ट्राई करने आए भाई आप? भाई यहाँ पे आज हम फिश को ट्राई करने आए हैं और इनकी बहुत ही तारीफ सुनी थी और यहाँ पे नई ब्रांच ओपन हुई है तो आज यहाँ पे हम चेक करते हैं क्या जायका इनका। और यहाँ पे माशाल्लाह काफ़ी रश हमें नज़र आ रहा है तो लोगों से बात भी करेंगे, लोगों की राय लेंगे, साथ साथ में आप दोस्तों के साथ यहाँ का जो बेहतरीन जायका है वो भी शेयर करेंगे। तमाम दोस्त हमारे साथ रहें ताकि आप दोस्तों को पता चल सके कि यहाँ का जायका कैसा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं क्या क्या मिलता है यहाँ पे, कौन कौन सी फिश इनके पास इस टाइम अवेलेबल है। ये ब्लैक पापलेट एक कांटे की बेहतरीन मछली है, ये है 1500 रुपये के जी, ये इसी का है। ये है गिस्सर, अमोर गिस्सर, इसको कैसा, ये भी एक कांटे की है 1500 रुपये के जी। सबसे बेहतरीन चीज़ हमारी डांगरी, फेमस आइटम, सबसे ज़्यादा चलने वाली, इसमें कांटे नहीं और एक तो मलाई, ओहो ग्रिल में 12 मसाले तैयार की जाती है, क्या बात है। VVIP भाई, लोग दूर दूर से हमारे पास खाने आते हैं, उंगली चाटते हुए लोग हमारे पास जाते हैं खा के। इसके पीछे लाहौरी बिस्किट, इसके पीछे हम काटते हैं, ये फ्राई होते हैं, ये भी 2000 रुपये के जी है। ये है मुश्ते का फिंगर, ये ग्रिल वाला 1200 रुपये किलो है। हमारी यहाँ पता है इसमें छिलका होता है, लोग छिलका उतार देते हैं। और ये तो एक नंबर मुश्ते का ही है, लोग मुश्ते का नाम धोखा वाला काम कर रहे हैं, धोखे वाला काम नहीं, मुश्का तो मुश्का मिलेगा आपको, गलत चीज़ नहीं मिलेगी हमारे पास आपको। ये धोतर मछली एक कांटे की है, ये 1500 रुपये के जी है, ये बहुत बेहतरीन मछली होती है। ये है दंडिया, ये सिंगल हड्डी है, 1400 रुपये के जी है। ये है ये वाइट कोन, ये भी बेहतरीन मछली है, ये 1400 रुपये के जी है। ये है झींगा सर्दी, ये जेरा वाइट एक नंबर, ये अपने आँखों के सामने छिलवाते हैं, डबल एक रेट, पूरी पट्टी में आपको यह झींगा नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। एकदम फ्रेश झींगा हम चलाते हैं, बंदा खाए, खाने के बाद वाकई बोला झींगा है वाकई में, बंदे तारीफ बोले। ये होता है एक रेट झींगा, ये है 2400 रुपये किलो, सर्दी का दुश्मन। ये तस्वीर आ गई भाई, ये आ गई। फंगस फिश कहलाती है ये, बग़ैर कांटे वाली फ़िश है और ये इम्पोर्टेड फ़िश है इनके पास, बग़ैर कांटे वाली फ़िश जिसे कहते हैं बोनलेस। नाज़रीन तो हमारा ऑर्डर आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। और ये है रेड स्नाइपर जिसे कहते हैं हीरा फ़िश, तो साथ में यहाँ पे लाहौरी फ़िश आप लोगों को नज़र आ रही होगी, लाहौरी फ़िश है। ये मुश्के का फिंगर है और साथ में मुश्का फ़िश है। और ये हमारी हीरा फ़िश है, साथ में इसकी है लाहौरी फ़िश, लाहौरी फ़िश साथ में है जो बोनलेस है। और ये है हमारी मुश्का फ़िश और साथ में इसके हैं बोनलेस मुश्का फ़िश, जो मुश्का के फिंगर भी कहलाते हैं। तो आज हम ट्राई करेंगे और आपको बताएंगे। खाएंगे आप लोग? चख लेंगे ना यार। यार नहीं करो ऐसा, खाने दो यार, तंग क्यों करते हो? भाई सलीम भाई जाने नहीं दे रहे, वरना भाई मैं तो लेके भागने वाला था। न्यू ईयर नाइट की पार्टी करेंगे और हम ट्राई करने जा रहे हैं यहाँ की मछली को। खान क्वेटा फिश सेंटर पे हम आए और ट्राई करेंगे कि इनकी मछली कैसी है। इन सबसे पहले मैं ट्राई करूँगा लाहौरी फिश को, जो कहलाती है डांगरी फिश भी इसे कहते हैं और फंगस फिश भी इसे कहते हैं। तो चलो मैं ट्राई करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ। ये बोनलेस होती है, बोनलेस, इसमें आप लोगों को किसी किस्म के कांटा तलाश करने की ज़रूरत भी नहीं है। ला जाओ आप फिश है भाई। ये मैं वो मछली खाने जा रहा हूँ, मैं वो मछली ट्राई करने जा रहा हूँ जिसका पूरा कराची इस टाइम दीवाना है, यानी कि हीरा फिश को मैं ट्राई करता हूँ और इसके मज़े लेते हैं ज़रा चटनी के साथ। सलीम भाई आज आपको नहीं खाने दूंगा भाई, इसके तो मज़े ही अलग हैं ये। चलें आप भी ट्राई कर ले यार, क्या याद करेंगे। तो मेरी तरफ से सबको हैप्पी न्यू ईयर सलीम भाई। तमाम जो नाज़रीन है हमारी तरफ से सबको हैप्पी न्यू ईयर और हमारी दुआ है कि 2023 आपका बहुत अच्छा गुजरे। नाज़रीन फ़िश का जायका तो लाजवाब था, सलीम भाई को, मुझे और इश्तियाक भाई को, तीनों को बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। तो इसी के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करता हूँ, आप लोगों के देखने का और साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।